लेकिन अगर ये बंदा आपको कह रहा है कि 50 लीटर वाली गाय मत लो, उसमें इसका नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं है, अंदर से इसने पैसे नहीं खाने। बाड़बा फार्म की टीम की तरफ से गगन को सल्यूट है। ये बातें आज तक किसी बंदे ने नहीं बताई, किसी यूट्यूब के चैनल पे आपको ये बातें देखने को नहीं मिलेगी। अंदर वाली बातें हैं जो अभी निकल कर बाहर आ रही है। असम जो है काफी दूर पड़ता है, काफी किसान असम के भी पूछते रहते हैं, निर्मल भाई असम के बारे में बात करो, तो आज खुल के असम के बारे में बात करते हैं। इसलिए कहते हैं मालवा फार्म के साथ जुड़ो, शेयर करो। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं गगन भाई के पास साहब डेयरी फार्म पे। पीछे आप इनका फार्म देख सकते हो। अगर इनके फार्म के एड्रेस की बात करें, पंजाब में मंडी डब्बू वाली पे इनका फार्म है। यहाँ से गायें सेल का काम करते हैं, पूरे भारत में गायें बेचते रहते हैं, ऑल इंडिया की आपको यहाँ से डिलीवरी मिल जाएगी। ब्रीड की बात करें, टॉप क्वालिटी की HF जर्सी और आयरशायर ब्रीड आपको इनके पास से मिल जाएगी। जो कि गायें HF की बात करें तो 30 लीटर से लेकर 50-55 लीटर दूध देने की गायें एक दिन की क्षमता रखती है, वो गायें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको डाउट है कि गायें इतना दूध देगी या नहीं देगी, तो दूध निकाल कर इनके पास से गायें खरीद सकते हो। हर समय 20-25 गायें सेल के लिए अवेलेबल रहती है। गुजरात, महाराष्ट्र, UP, MP, केरला, तमिलनाडु गायें हर रोज भेजते रहते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर करोगे तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो गगन भाई का नंबर है, आप इनके साथ संपर्क कर सकते हो गायें खरीदने के लिए। यहाँ पर आओगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री आपको 2-3 दिन सिखाएंगे गायें के केयर करने के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कोई गायें चलाकर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे कि अगर आपने डेयरी फार्म शुरू करना है तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे डेयरी फार्म पे प्रॉफिट होता है, कहाँ पे लॉस होता है। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने फार्म किया था, वो फार्म फेल हो गया। फेल होने के क्या कारण होते हैं, उसके बारे में जो गगन का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई मालवा फार्म के साथ नहीं जुड़े, मालवा फार्म को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। पूरे भारत का नंबर वन चैनल किसान भाइयों ने बना दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्यों बना? क्योंकि किसान भाई प्यार इतना करते हैं मालवा फार्म को, मालवा फार्म के ऊपर यकीन इतना करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी मालवा फार्म पे वीडियो आएगी, जिस भी व्यापारी भाई की वीडियो आएगी, वो जेन्युइन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ पूरे भारत के किसान जुड़े हुए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जेन्युइन वीडियो और जेन्युइन नॉलेज आपके साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वीडियो को पूरा देख लेना और किसान भाइयों के साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर जरूर कर देना। तो आइए गगन भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो अपने बेसिक काम के बारे में किसान भाइयों को बता दो, उसके बाद आगे की बात शुरू करेंगे। देखो सर, बेसिक काम सर किसान में को पता ही है। पहले तो मैं सभी किसान में का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो साहब डेयरी फार्म को इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, सत्कार दें गगन भाई को, और जी माला फार्म की टीम का सर, जो मेरे फार्म पे आए विजिट किया वीडियो बनाने के लिए, सर शुक्रिया जी आपका भी। शुक्रिया जी। और देखो किसान भाई एक बात है, कोई भी बंदा जैसे हमारा बेसिक काम है सर, आपको पता है सर वीडियोज आती रहती हैं, गाय का काम है सर, सेल परचेजिंग का, ओके, दूध का भी काम है सर खुद का, और अब अपने पास 20-25 एनिमल अवेलेबल रहते हैं जी ऑलवेज। हर एक किसान भाई की अलग अलग डिमांड होती है जी, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हमने एनिमल परचेजिंग करने हैं। अगर हमारे फार्म पे नहीं अवेलेबल होता है तो उनको बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं जी, ठीक है ना। तो गगन भाई बात करें, आप पूरे भारत में गायें बेचते रहते हो जी सर, गुजरात के किसान आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, जहाँ तक के वेस्ट बंगाल असम तक के किसान आपके पास आते हैं सर, पंजाब ही किसान गायें खरीदने के लिए क्यों आए? क्या रीजन है पंजाब में, क्या खासियत है पंजाब में, क्यों किसान इतनी दूर आए? क्योंकि किसान इतनी दूर आता है गाड़ी का 1-1.5 लाख भाड़ा लग जाता है जी सर, क्यों आए, इसके बारे में किसान भाइयों सर को देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ किसान भाई के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया निर्मल भी आपने, क्योंकि देखो जो पंजाब है ना एक हब है, कह देते हैं अभी गाय का ब्रीडिंग का हब है, लोग यहाँ पे केयर करते हैं। अभी मैं कहता हूँ भी सर जितनी गाय महाराष्ट्र गुजरात में है, MP में, उतनी गाय पंजाब में है सेम, आप बेरवा कर लेना भी कितने फार्म है, कितनी काउज है, ये कह सकते हैं कि उधर जो गाय गई है पंजाब से गई है ब्रीड है जो पंजाब ब्रीड है, हाँ, बट कमी कहाँ पे आ रही है, कमी यहाँ पे आ रही है निर्मल भाई, भी लोग फ्यूचर ब्रीड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जैसे मान के चलो उसने सिमन भरवाना है, उसने 80 रुपए का सिमन भरवा दिया लोकल वाला, तो
माइनस पॉइंट तो ये हो गया ना प्लस, अगर आप फ्यूचर खराब हो गया, फ्यूचर खराब हो गया, आने वाली ब्रीड खराब हो गई। जो फार्मर है हमारे पंजाब के अवेयर हैं, जो उनको पता है हमारे यहाँ पे सारा कुछ, जैसे पीडीएफ संस्था जी बहुत है, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा जी, जो कि लोगों को कहते हैं उत्साहित करती है भी हाँ जी हम गाय रखें, पशुपालक का काम करें और अच्छी ब्रीड तैयार करके कॉम्पिटिशन में लड़ाएं और अच्छे अच्छे इनाम होते हैं, ठीक है ना। तो मैं किसान भाई कहना चाहता हूँ आपसे भी, देखो आपकी कमी पता कहाँ पे आती है भी, देखो आपका जो आपका आइडिया है, जो आपकी कह देते हैं अपनी माइंड सेट आपका, वो सही नहीं है। मान के चलो आपने सीमेंट भरवाना है, आप उसके बारे में सोचोगे यार 80 रुपये वाला भर्जी डॉक्टर आएगा, उसने तो सर फीस लेनी है भरने के लिए चला जाएगा भर के, ठीक है ना। बट आपके हाथ में आपने ब्रीड कैसी लेनी है आगे, ठीक है ना। तो पहली कमी तो यहाँ पे आ गई निर्मल भाई, ठीक है ना भी। देखो बंदे ब्रीड के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको खाली दूध तक मतलब है भी, एक लैक्टेशन दूध निकाल दिया, अगली दफा कोई दिक्कत नहीं बच्चा दे फिर दूध निकाल लेंगे। बट जो फ्यूचर ब्रीड रेडी होनी है उसका तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कैसे फ्यूचर ब्रीड पे ध्यान दिया जाए, आप ब्रीड अपने फार्म पे तैयार करते हो, जाहिर सी बात है कि गाय सेल भी करते हो, आगे दूध भी सेल करते हो, दोनों काम है आपका सर। तो फ्यूचर ब्रीड आप पंजाब के जो किसान है तैयार करते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं ताकि आगे के किसान भाई भी फ्यूचर ब्रीड तैयार करें। देखो निर्मल भाई एक बात है, जैसे बच्चा जब जमता है ना, जब पलता है बच्चा, जैसे काविंग होती है गाय की, तो जैसे बछड़ी आ गई, ठीक है ना, तो पहले तो हम जैसे दूध बछड़ी को प्रॉपर पिलाते हैं। कई किसानों तो दूध के लालची होते हैं जी, बुरा मत मानना जी, बछड़ी को छोड़ते नहीं वो जी, वो छोड़ते नहीं है सर, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसी जी, अगर आपने एक बछड़ी रेडी करनी है ना, उसको उतना दूध चाहिए, कम से कम 5 लीटर दिन का दूध चाहिए जब उसको 3 महीने तक प्रॉपर, ठीक है ना। तो बंदा दूध 5 लीटर कर लेता भी, 5 लीटर दूध हम क्यों वेस्ट करें, हम इसको वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हो जाता है जी, बछड़ियाँ मोर्टैलिटी की होती है ज़्यादा बछड़ियों की, रीज़न आता है वो उस पर ध्यान नहीं देते, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं वो नहीं प्रॉपर टाइम से करवाते हैं, ठीक है ना। और दूध की सर बात जैसे, ठीक है ना, भी दूध भी नहीं पिलाते हैं बछड़ियों को भी, जो चीज़ उसको प्रॉपर डाइट चाहिए शुरू शुरू में, तो वो चीज़ें अगर वो ध्यान देगा तो बछड़ी ऑलरेडी रेडी होगी जी, मैं आपको लिख के देता हूँ। बाकी किसान भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप फ्यूचर ब्रीड पे ध्यान दोगे ना सर, अपनी दुगनी इनकम होगी आपकी। आप 1 साल 2 साल वेट करना, 2 साल के बाद आपकी क्या पता बछड़ी 1.5 लाख की रेडी हो जाए, सही है ना जी। एक बात है भी, देखो जहाँ पे आपने गाय को खिलाना है वहाँ पे बछड़ी भी खाएगी, उसकी अलग से एक्स्ट्रा से चार्जेस लग जाएगा, उसका क्या 2000 रुपये महीने का खाएगी मेरे को लगता है। कफ स्टार्टर लगा लो, कफ ग्रोवर लगा लो, फिर इसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है आप देखना उसको, जैसे ट्रांजेक्शन फीड वगैरह, तो अगर उसके आप प्रॉपर मेंटेनेंस पे ध्यान रखोगे ना सर, बछड़ी का प्रॉपर ध्यान दोगे, तभी आप आगे जाके फ्यूचर ब्रीड तैयार कर पाओगे, खाली बातों से नहीं जी। क्योंकि बछड़ी का हो गया गगन जी, बछड़ी से पहले बात आती है सीमन की जी सर। आप सीमन लगाते हो 2000 का 2500 का, आपको नॉलेज है, जो बाहर के किसान पंजाब से गायें खरीद कर लेकर जाते हैं, किसान भाइयों मैं हर वीडियो में यही बात करता हूं कि कब तक आप पंजाब गायें खरीदने के लिए आते रहोगे, एक बार खरीदो, दो बार खरीदो, हद से ज्यादा 3 बार खरीदो, सारी उम्र तो पंजाब से गायें नहीं खरीदोगे ना, खरीदोगे तो आपको बचत कहाँ होगी। खुद अपनी ब्रीड तैयार करो, अपनी ब्रीड तैयार करके उसको पैदा करो जी सर। किसान कह देते हैं कि सीमन 80 रुपए का लगा लें, 50 का लगा लें, 100 का लगा लें, 2000 का लगाएंगे, 3000 का लगाएंगे, गायें रिपीट हो जाएगी, दोबारा फिर वो लगाना पड़ेगा। अगर 2000 2500 का लगाया, 4000 5000 का पड़ गया, लॉस हो गया। लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि आगे बछड़ी है जो वो 1.5 लाख वाली तैयार हो रही है, पहले भी अंत में 30 लीटर देगी। ये चीजें सर कैसे ध्यान में रखें किसान, देखो जी ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी किसान भाई। अगर आप ये चीज़ें सोच ज़्यादा डीपली लोग भी हाँ जी हमारा खर्चा हो जाए 1000 2000 के पीछे सोचोगे जी, देखो तो आप, मैं कहता हूँ आप कामयाब नहीं होगे, मैं स्पष्ट कहता हूँ जी। वही है ना, 5000 का 4000 का देकर 1.5 लाख का लॉस नुकसान कर रहे हो सर, ठीक है ना। आपने कोई कहता है कोई जर्सी का भर जाता है, कोई साहीवाल का भर जाता है, बछड़ा आ जाता है बाद में, फिर आप बोलते हैं तो बछड़ा आ गया क्या, वो किस्मत के भी होता है सर, कोई कभी कर होता बछड़ी भी आए थे, ऐसी कोई बात नहीं बछड़े आते हैं। बट बात आती है ब्रीड की, ब्लड लाइन की, कौन सी ब्लड लाइन चूज कर रहे हो आप, ठीक है ना। आपको कुछ आइडिया है भी हाँ हमने यार इस सीमन की, ये इस सीमन की खुद कोई आपके पास रिकॉर्ड है। आप शुरू में अपने क्वेश्चन पूछ गया था निर्मल भाई भी, बंदा कहाँ भी सोचना बंद कर देता है, क्यों नहीं रेडी कर पाता भी, देखो किसी को रिकॉर्ड के नहीं पता है जी, रिकॉर्ड रखना कैसे है वही नहीं पता अभी हाँ जी, हमारे क्या है रिकॉर्ड के वो नहीं पता सर। देखो अगर आप ये रिकॉर्ड रखोगे ना तो आपको इनब्रीडिंग का चांसेस होगा, क्योंकि मेन पता क्या होता है जब इनब्रीडिंग आ जाती है ना तो गाय की ग्रोथ होती है ना दूध की। इनब्रीडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, किसानों को पता ही नहीं इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग क्या होती है। देखो निर्मल भाई मैं बहुत जितना मैं नॉलेज अपने साथ जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी शेयर करना चाहता हूँ किसान भाई के साथ भी। देखो इनब्रीडिंग का मतलब है जी, जैसे कोई बछड़ी है डेनमार्क 4016 की है सर, ठीक है ना, आपको पता नहीं है
भी ये बछड़ी इसकी है, इस ब्लड लाइन की है, आपने फिर उसको वही बना दिया तो इन ब्रीडिंग आ गया, डेनमार्क इन ब्रीडिंग आ गया सर। मतलब जैसे पिछले सीमन का उसका जो फादर का रिकॉर्ड है जी वो आगे फिर उसी का ब्रीडिंग आ जाएगा सर वो। हाँ। अगर आपने कोई सीमन चेंज कर दिया सर तो इन ब्रीडिंग में नहीं आएगा सर, प्रॉपर ग्रोथ भी होगी बछड़ी की और रिकॉर्ड भी मिलेगा बकायदा। मैं देखो आपको इसलिए कहता हूँ, आप रिकॉर्ड रखोगे ना आप कभी भी धोखे में नहीं जाओगे। सगो देखो हमारे पास सर एआई से लेके जब बच्चे की डिलीवरी होनी होती है, हमने 3 जनरेशन का 4 जनरेशन का रिकॉर्ड होगा हमारे फार्मों के पास। रिकॉर्ड रखने का फायदा क्या है किसान भाइयों को ये बात बताऊंगे? पहले तो वही निर्मल भाई इनब्रीडिंग का चांस नहीं आएगा, दूसरा ग्रोथ होगी एनिमल की, ठीक है ना भी, जैसे पता होगा बंदे को भी हाँ ये सीमन की है, इसको ये बनवाएंगे क्योंकि पिछली दफा ये खुद सीमन की है, तो बंदे को पता चलेगा भी हाँ जी इनब्रीडिंग नहीं आएगी तो हम इस सीमन का बनवाएंगे, क्योंकि अभी बहुत से सीमन नए आ रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं जी। हाँ जी रिकॉर्ड रखने का मतलब ऐसा उसको सारा चीजें बकायदा रिकॉर्ड का ही नहीं खाली सीमन, उसने ये पता चल जाएगा इसकी मदर का कितना रिकॉर्ड था, कितना दूध था इस लैक्टेशन में, ठीक है ना, कितने दांत में बच्चा दिया था, तो वो सारी चीजें किसान भाइयों की नॉलेज में रहेगी। जैसे रिकॉर्ड की बात करी गगन भाई, आप एक व्यापारी हो जी सर, जैसे आपके पास दो गायें खड़ी है, एक का तो रिकॉर्ड नहीं है, एक का रिकॉर्ड है, आपको जाहिर सी बात है उसका रेट ज्यादा ही मांगोगे जिसका रिकॉर्ड है, क्योंकि मार्केट का रेट ज्यादा होता है जी, वो अच्छे रेट पे बिक जाती है, दूसरी जो लोकल है उसका आगे वाला बंदा भी रेट उतना नहीं लगाएगा। ये फायदा होता है किसान भाइयों, आगे अगर आपने गायें सेल करनी है, रिकॉर्ड वाली आपकी गायें 30-40 हजार महंगी बिकेगी, क्यों? क्योंकि वो ब्रीड होगी जी सर। देखो ऐसा नहीं निर्मल भाई, जैसी ब्रीड होगी, जैसा उसका कह देता है जिसकी जिस रेट की वो कैपेबल होगी, वैसा किसान भाई पे करेगा, बट बात कहाँ पे आएगी, हाँ उसका बकायदा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, समझ ना सर बात मेरी भी। देखो अगर किसका रिकॉर्ड नहीं, हम लोकल से ले आए, हाँ जी इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस हाँ खाली अड़ रहा है गाय है, वो सामने दिखाते हैं बट उसका आगे नहीं पता है सर कौन सा लगा है, कौन सी शायर की खुदा वो, तो वो चीज़ों की जब नॉलेज होगी ना सर, बंदा ऑटोमेटिकली हाँ जी हमें विश्वास होगा अपने ऊपर, फक्र होगा भी हाँ जी हमने ये गाय का सीमन का बनवाया, ये खुद किसी की है, तो वो रिकॉर्ड होगा ना सर प्रॉपर आपके पास, तो उसका ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और निर्मल भाई आपने एक शुरू में क्वेश्चन पुट किया था भी, हाँ जी अदर स्टेट से किसान भाई ज्यादा पंजाब में गाय क्यों खरीदने आते हैं, ठीक है ना, उसका मेन कारण है भी सर देखो पंजाब एक ऐसा कह देते हैं ब्रीडिंग का हब, मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पे ब्रीड मिलती है, यहाँ पे बहुत कह देते हैं मार्जिन में बहुत मात्रा में ब्रीड मिलती है जी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान है, क्योंकि हमारे पंजाब के किसान क्यों आ गए हैं जी, वो बकायदा रिकॉर्ड रखते हैं, हमने बात की रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है कि निर्मल भाई भी हाँ ये सब ब्लड लाइन की, इसको ऐसा बनवाना है, आगे इसकी ये करवानी है, ठीक है ना, वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं इस ब्रीडिंग की, इन ब्रीडिंग का कोई चांसेस नहीं होता सर जो लोग अवेयर है, क्योंकि ज्यादातर पंजाब के जो किसान है ना बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं जी, जो जिनको नॉलेज नहीं है सर वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सर देखो ऐसे ऐसे संस्थाएं खुल गई हैं सर हमारे यहाँ पंजाब में जी, जो लोगों को अवेयर कर रही हैं भी हाँ जी आप ब्रीडिंग पे ध्यान दो, ब्रीडिंग वाली गाय रखो, ब्रीड पे काम करो आप आगे जाओगे, तो मेरा भी यही मोटिव रहता है किसान भाइयों को भी हाँ जी हम ब्रीडिंग पे काम करें, ब्रीडिंग को आगे लेके जाएं और वही आपकी आगे सक्सेस करने, क्योंकि फार्म को बढ़ावा देने वाली आगे ब्रीड ही है सर। आपने शेड पे पैसा खर्च कर दिया, ठीक है ना, शेड पे फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप ब्रीडिंग पे खर्चा करो सर, ठीक है ना, वही आपके लिए एक अच्छा लेवल बनाएगी, आपकी गाय खरीदी आपका अच्छा शेड बनवाएगी सर, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ जी, आप भी बता रहा हूँ, क्योंकि निर्मल भाई आप हमारे फार्म पे हैं, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपका। देखो कोई हर एक किसान भाई का मन में रहता भी हाँ जी गाय बेचने के मोटिव से, सर मेरा गाय बेचने का मोटिव नहीं है सर, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट बात है हमने किसानों को आगे लेके आना है। देखो निर्मल भाई हमने आपको पता है सबसे पहले महाराष्ट्र में विजिट किया माला फार्म की टीम ने और साहिब डेयरी फार्म ने मिलकर किया, ठीक है ना जी, जी। क्योंकि लोग जागरूक हुए, उनको पता चला भी हाँ जी हमारे लिए स्टैंड किया साहिब डेयरी फार्म ने, बहुत तादार में महाराष्ट्र से कस्टमर आए जी, ठीक है ना, अभी बहुत से यूट्यूबर बहुत से जा रहे हैं सर, कहते हैं हमारी वजह से किसको वो तो मिला ना भी हाँ संदेशा भी हाँ जी हम किसानों के लिए रुके, हमारे लिए वो करने का मतलब पता चला भी हाँ जी वाकई में आपने सपोर्ट की और आपको साथ मिला, तो वो चीजें सर मैं ध्यान में रखता हूँ, मैं शुक्र भी करना चाहता हूँ भगवान का और माला फार्म की टीम का, थैंक यू जो महाराष्ट्र में विजिट करके सर साहिब डेयरी फार्म को वहां पे जाके आगे भी किसानों का वेरवा लिया, हमने भी कैसी गाय कैसे उनका फीडबैक लिया, उनके साथ बैक स्टे किया, ठीक है ना। और मैं कहना चाहूँ निर्मल भाई देखो जरूरी नहीं है आपने भी देखो भी गाय अच्छी निकलती हर एक गाय, 100 में से हो सकता है 10 खराब भी निकली हो, मैं भगवान तो नहीं हूँ जी, सांस वाली चीज है कुछ, सांस वाली चीज है जी, मैं तो स्पष्ट बैक सपोर्ट चाहिए ना, आप उनके साथ जाकर खड़े ये बहुत बड़ी बात है सर, वही तो सपोर्ट होती है, देखो किसान भाइयों के लिए ये मेन बात होती है भी हाँ जी हमारे लिए खड़ा कौन है बंदा, किस कीमत किस हद तक खड़ा है। अभी मेरी बात सुनो निर्मल भाई, मैंने वहां पे विजिट किया, जाके विजिट किया, लोगों ने कितना प्यार दिया सर, ठीक है ना, और
हर एक किसान भाई बोलता भी गया, अब तक ही बोल रहे हैं कि गगन भाई आपकी वजह से बहुत से कहते हैं डीलर हमारे पास आई जिन्होंने विजिट किया भी अच्छा लगा भी आपसे कोई प्रेरित हुआ या कुछ भी। चलो सर मैं ये नहीं कहता मैं किसी को भी कॉपी की या कुछ भी, बट एक बात है भी मेरी वजह से आपने जो विजिट किया उसकी वजह से सर लोग जागरूक हुए, डीलर भी उनको पता चला भी हाँ जी हमें किसान भाई के साथ स्टे करना चाहिए। मैं उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। किसान भाई देखो मैं साहिब डेयरी फार्म को यहाँ तक लाने वाले आप हो, ठीक है ना, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आप किसान भाइयों का। और मेरे को यहाँ तक भी आप मैं स्टैंड किया गया ना मैं वहाँ तक स्टैंड करूँगा आपके साथ। और मैं कहाँ पे था, मैं इस बात पे था भी जरूरी नहीं अपनी सारी गाय अच्छी निकले सर, ठीक है ना। कभी कभार होता है कोई गाय कोई दिक्कत आ जाती है सर तो उनके साथ हमारा बैक स्टे रहता है किसान भाई, कोई भी किसान भाई को हम जिसको गाय बेचते हैं जी ऐसा नहीं है बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दें, ठीक है ना, फोन भी उठाते हैं प्रॉपर, उनकी बातचीत सुनते हैं, बातचीत सुनेंगे फिर कोई सलूशन आएगा। सही बात ना जी। देखो मैं बात सीधा एक्सेप्ट करता हूँ जी, अगर गलती की है तो स्वीकार करनी पड़ेगी सर, कहीं बागलो जी। अगर काम करना है, अगर चोरी टिकारी करनी है तो सर कोई दिक्कत नहीं, दो दिन नहीं सुनोगे चार दिन नहीं सुनोगे। चोरी करने वाला इतने साल थोड़ी ना चलेगा, वही तो बात है सर, एक सीजन चल जाएगा, वही तो बात सर, महीने के बाद बात सामने आ जाएगी, सामने आएगी। सही बात ना जी, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि निर्मल भाई क्योंकि बढ़िया कहते हैं बातें करने का मन कर रहा है जी अभी, ठीक है ना, क्योंकि किसान के साथ किसानों के प्रति जो भी हमारे मन में जहन है जो हमारी बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। भी मैं सर बहुत बुरा वक्त देखा है, मैं बैकग्राउंड ही आपका बताऊंगा आपको कि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, बट एक बात है भी जहां पे बंदे का मैं कहता हूँ जो किसान भी मेरे पास आता है ना मैं उसको उस कंडीशन पे रख के सोचता हूँ जहां मैं पहले था। गगन जी चलो ये बात आपने बीच में कर ही ली, मैं आपको पूछना चाहूंगा अभी किसान आपको देखते हैं जो नए लड़के हैं जिनकी उम्र 15 साल 20 साल 22 साल है, वो नहीं होता खून गर्म होता है जिनका, वो देखते हैं कि हमने यार पैसे कमाने हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें उनके दिमाग में आती है क्योंकि हम भी इस समय से निकल कर गए हैं जी सर, लेकिन वो ये नहीं देखते, वो ये देख लेते हैं कि बंदा गगन अभी यहाँ पे खड़ा है लेकिन बैकग्राउंड नहीं उन्हें पता होता कि गगन कहाँ से यहाँ तक आया। तो आज आप पूरे भारत में नंबर वन पे चल रहे हो, किसान पंजाब का डायमंड कहते हैं कि हीरा बंदा है गगन पंजाब में गायें बेचने के लिए सबसे ज्यादा टॉप पे है, लेकिन किसी को पता नहीं गगन ने कैसे शुरू किया था, कभी गगन के पास एक गाय होती थी कभी एक भी नहीं रहती थी, मंडी पे गगन काम करता था, आता था बस पे भाड़ा लगाकर खाली मुड़ जाता था, 100-200 पल्ले लग जाते थे लेकिन कुछ इनकम नहीं होती थी। आज गगन लाखों में खेल रहा है, अच्छी इनकम कर रहा है, चलो जितनी इनकम होती है ज्यादा है कम है आपकी मेहनत है जी सर, बैकग्राउंड कहाँ से शुरू किया किसानों को वो बताओ। देखो निर्मल भाई अगर ये बात बताओगे ना किसानों को होता है कि हाँ यार हम भी मेहनत करके आगे आ सकते हैं। मैं देखो निर्मल कहानी बना के सुनाऊंगा, नहीं नहीं जो भी किसान भाई मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ किसान भाई क्योंकि आपने क्वेश्चन पुट किया हम आंसर दे रहे हैं उनका। देखो किसान भाई देखो जब मैं इस लाइन में हूँ क्योंकि धोखे दड़े लगा लो या कोई नफे नुकसान सबके साथ होते हैं, जो कोई बंदा काम करता है ना उसको नफा भी होगा नुकसान भी होगा जी। तो फादर साहब काम करते थे तो मैं आज यहाँ पे सर अपने फादर की जो कह देते हैं उनकी मेहनत थी, ठीक है ना, उनकी बदौलत क्योंकि मेरे फादर साहब की जानकार थी सर, क्योंकि पुश्तैनी काम है, फादर साहब की जानकारी थी, धीरे धीरे मैं काम में मेरी जानकारी बनी। और सर बैकग्राउंड की बात करूं जी तो मैंने सर मजदूरी भी की है सर 300 दिन का, ठीक है ना, बट बात कहाँ पे आती है स्ट्रगल पे, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जॉब की है आपने सर, मैंने 3 महीना भी जॉब किया सर। क्या जॉब थी वो सर, मेडिकल में रहे थे सर 3 महीने और 10 महीने वाली जॉब सर, मैं मार्केटिंग करता था फीड की, चिक्स फीड थी, ठीक है ना, तो उसकी मार्केटिंग करता था, वो 10,000 रुपया इनकम देते थे, 10,000 महीना आप लेते थे जी सर, कितना बच जाता था सर 10,000 में से 4-5 हजार ही बचता था, मान चलो 100 का डेली पेट्रोल लगा लो बाकी खाने पीने का लगा लो, बाइक पे जाते थे सर मार्केटिंग करने, ठीक है ना। बाइक कौन सी थी, बाइक पटेल बाइक थी सर, पुरानी ली थी। तो अभी गाड़ी है, हाँ जी अभी गाड़ी है, अभी मन खुश होता है, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है निर्मल भाई। देखो मैं 1 मिनट रोकना किसान भाइयों, ये बातें ध्यान से सुनो, आज गगन इस लेवल पे खड़ा है तो कभी बंदे ने 100-100 रुपया करके जोड़कर बाइक ली और अभी गाड़ी पे आया, वो मेहनत है जे, मेहनत पीछे की देखो और आप भी मेहनत करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है डेयरी फार्म कामयाब करना, लेकिन टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होंगे। तो गगन पहले जॉब करते थे 3,000 वाली जॉब की 10,000 वाली जॉब की, तो अभी खुद का धंधा है, पैसे खुद के धंधे से कम बने या ज्यादा बने लेकिन जॉब से बढ़िया है
ये मानते हो? ये सर ये चीजें मैं मानता हूं। क्या फर्क है अपना काम करने में और किसी के नीचे लगकर जॉब करने में, फर्क क्या समझते हो? सर फर्क तो ऐसा भी, सर ये खुद का काम अपने स्टैंड से करना भी, हाँ जी जितना हमने मान के चलो, ऐसा नहीं है मैं किसी को कह रहा हूँ भी हाँ जी आप आलस में रहो, अपनी मर्जी से काम करना। अभी सर देखो भगवान की दया से सर मैं आपको बताया भी, मैं आपको शुरू में बताया मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आप गगन के बारे में गगन के बारे में पूछना, अभी 2 साल पहले 4 साल पहले कितना कैसा इनका था भी, कहाँ तक थे सर हम यहाँ पे कह देते हैं अभी रेंट पे भी रहे हुए सर, ठीक है ना, अभी खुद का घर सर, जैसे भी हमने काम चलाया मेहनत की सर, ठीक है ना, तब लिया। तो मेन बात है भी जो बात करें भी, हम जैसे लॉस हो गया था डैडी को 15 लाख का, तो हमने अपना घर बेचकर हमने लोगों के पैसे जुगाए, ठीक है ना, और उसके बाद हमने फिर स्ट्रगल किया जी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ किसान भी अपने को कभी भी ये चीज मत सोचना भी आप एक एक टाइम अमीर हो जाओगे, पैसा कमा लोगे, डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे आप आगे जाओगे जी, ठीक है ना, क्योंकि बुरे वक्त आप नोटिस कर लेना जी, मैं किसी को ये भड़का नहीं रहा हूं, कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, साथ देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा जी, ठीक है ना, 100 लोगों के 100 में से आपके खाली माता पिता आपके साथ देंगे, बाकी 1% भी नहीं आपको मिलेगा प्रॉपर भी हाँ आपका साथ दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया, हमें जो बीत गया वो सर उसको याद नहीं करेंगे, बट फिर से वक्त ना आए हम उसके लिए प्रे करेंगे सर, ठीक है। और बात कर रहा हूं मैं भी, काम करोगे एम बना लो, कोई भी काम करना है आपने, चाहे डेयरी फार्मिंग में आना चाहे कोई अदर काम करना है, आप एम बना लो भी हाँ जी हमने कुछ हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि नफा नुकसान सर ये तो होने होना चाहे कोई बिजनेस चूज कर लो, ठीक है ना, अगर आपने एम बना लो हाँ जी हमने ये काम करना है प्रॉपर तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं लिख के देता हूँ कभी फेल नहीं होगे, और साहब डेयरी फार्म आपको ऑलवेज साथ देगा, कोई नॉलेज चाहिए कोई फीडिंग के बारे में आपको चाहिए कैसी भी नॉलेज चाहिए आपको मिलेगी साहब डेयरी फार्म। तो ये जो आपका सफर था अभी इतने बड़े फार्म पे आप पहुंच चुके हो, किसान भाई देखो हम जॉब को गलत नहीं कह रहे, जॉब करनी चाहिए, जॉब अच्छी बात है, जॉब करोगे तो आपको पैसे की वैल्यू पता लगती है, आपको टाइम की वैल्यू पता लगती है, लेकिन कोशिश करो कि खुद ना खुद आपका धंधा जॉब के साथ साथ में करो, धंधा बढ़ जाएगा तो जॉब छोड़ देना, पहले नहीं है कि पहले ही जॉब छोड़ दो। तो आज आपके पास 20-25 गाय हर समय सेल के लिए अवेलेबल रहती है, जब किसान आपके पास कस्टमर ज्यादा हो जाता है तो इसी फार्म पे मैंने देखा है 50-50 गाय हो जाती है, घर में मिलाकर टोटल 70-80 गाय आपके पास हो जाती है, तो सफर तो एक गाय से शुरू हुआ होगा। सफर तो सर देखो स्टार्टिंग जब होते हैं सर बंदे की जो जिसने होना है, क्योंकि सर हमने बहुत चीजें देखी, मैं बार बार कहता हूँ किसान भाई देखो कोई भी बंदा काम करता है, मैंने शुरू में बताया स्टेप बाय स्टेप करो, एक गाय से दो गाय से सर आपको पता है पहले आपने खुद के पैसों से गाय ली थी या कैसे क्या सिस्टम? देखो जैसे हमारे पास पिछले किसान जुड़े हुए थे गुजरात से, जैसे पापा जी के कस्टमर थे, ठीक है ना, हमारे पास एक दो गाय डेली होती थी भी हाँ जी हम दूध के लिए लगा लेते, ठीक है ना, या उसको सेल कर देते, ठीक है, ठीक है। और जैसे हमारे पास एक दो गाय होती सर उसका 5000 रुपये नफा बनना, वो बहुत खुशी मिलनी, हाँ जी हमने 5000 रुपये कमा लिया, ठीक है ना, फिर उसी 5000 रुपये जोड़ के सर 5000 को लगा लेना, उसी पैसों से फिर गाय ले आनी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करके एक गाय की कीमत इकट्ठी होगी, फिर 3 गाय ले आए, ठीक है ना, फिर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप 4 गाय लेके आए, ठीक है ना जी। तो सर स्टेप बाय स्टेप दौर चलता गया जी, ठीक है ना, ये किसान भाइयों के सामने है जी, क्योंकि किसान भाइयों आप कोई भी काम करोगे, मैं बार बार कहता हूँ, ये नहीं कहता आपने मेरे से गाय लेनी है, मैं आपकी प्रमोशन के लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात है कोई भी काम करना ना आपने स्टेप बाय स्टेप करना, मैं आप हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी, ठीक है ना, क्योंकि किसान भाई गगन भाई आपके लिए ऑलवेज रेडी है, जरूरी नहीं है आपने खाली गाय लेने से मोटिव के लिए आपने कॉल करना है, कोई भी जरूरत है प्लीज सर शेयर करें, कोई नॉलेज चाहिए तो आपके साथ ऑलवेज। आप क्या कहना चाहते हो कि जब नया बंदा फार्म शुरू कर रहा है कितनी गाय रखनी चाहिए? सर देखो वैसे तो बजट के अकॉर्डिंग वो जितना उसका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग चूज कर ले, बट कम से कम 5 से लेकर 10 गाय तक उसको सर करना चाहिए, क्योंकि दूध का लगा लो खर्चा भी निकाल। और फार्म कितना बड़ा करना चाहिए, कितने के पैसे लगाने चाहिए? सर फार्म पे मैं कहता हूँ शुरू शुरू में अगर किसी का बजट लो है सर, तो उसको फार्म पे खर्चा करने से बेटर उसको पहले ब्रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए। देखो किसका अगर बजट सीमित है ना जी, उसको जैसे कोई कह देते हैं अभी हमने लेंटर वाला लगा लो, वो शेड डाल छप्पर डाल लिया, ठीक है ना। किसान मैं भी किसान भाइयों आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा, किसान फेल क्यों होता है, किसान गाय के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करता, पहले शेड डाल लेते हैं, शेड देख लेते हैं कि पंजाब के शेड बड़े हैं,
पंद्रह पंद्रह लाख लगे हैं, कोई किसान भाई 5 लाख लगा देता है, 10 लाख लगा देता है, 15 लाख लगा देता है। जब पंजाब गाय खरीदने के लिए आते हैं तो पैसे नहीं बचते, कम होते हैं, फिर जाते हैं क्रॉस ब्रीड की तरफ। जी सर, पहले गाय अच्छी खरीदो, शेड आपका बड़े शेड की, ऐसे शेड की जरूरत नहीं, नॉर्मल छप्पर डाल दो वो भी चल जाएगा। जी सर, ये बात है, मैं बात कर रहा हूँ भी, वहीं पे बात आती है आपने सर, बढ़ावा किसको देना, बढ़ावा ब्रीड को देना, और ब्रीड ने आपको आगे लेके जाना है। गाय ने कमाई देनी है, शेड ने नहीं देनी है। शेड क्या सर, ये तो पढ़ के गाय जिससे आपने दूध निकालना है, जिससे कि आपकी फार्म का फ्यूचर बनना है ना, वो चीज पे आप फोकस करो। अगर आप गाय पे पैसा खर्च करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। आपने शेड पे पैसा खर्च कर दिया आपका, गाय लेने के वक्त आप बोलोगे हाँ हमारे पास पैसा कम पड़ गया, फिर आप बोलोगे हाँ ये 90,000 वाली गाय है, इसको बोलोगे हम 90,000 को छोड़ा, हम 80 वाली गाय लेते हैं, हम 70 वाली गाय लेते हैं, हो गया ना बजट लो, तो वहां पे जाके बंदा मार खा जाता है। तो ये चीजें सर पहले आप आइडिया बनाओ, ध्यान रखो हाँ जी हमने कैसे फार्म को स्टार्टिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप कितनी गाय रखनी है, कितना खर्चा कहाँ पे करना है। और जब आप काम स्टार्ट करोगे ना, फ्रेशर बंदा होता है उसको पता चलेगा शुरू शुरू में भी कहाँ पे खर्चा हमारा फजूल है, कहाँ पे जायज, कहाँ पे हमें कम खर्चा करने की जरूरत है और कहाँ पे हमें ज्यादा। तो तब जाके पता चलता है किसान भाइयों भी हमने ब्रीडिंग पे पैसा खर्च करना था, फिर बंदा माथे पे यात्रा के करता भी हम शेड क्यों डाल रहे हैं, गलती कर दी। ये बात होती तो वही है ना, आप मालवा फार्म के साथ जुड़ो, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, मित्रों को मालवा फार्म के साथ जुड़ो। जब मालवा फार्म के साथ जुड़ के आपके साथ ठगी धोखा होगा नहीं, सारी नॉलेज आपको पहले ही मिल जाएगी। तो गगन, आप एक व्यापारी भी हो, आप एक फार्मर भी हो, गाय का ब्रीड भी तैयार करते हो, खुद भी दूध बेचते हो और गाय भी सेल करते हो, एक व्यापारी के नाते जो बातें करना, खरी करना, सच बताना, दिल में कुछ छुपा कर मत रखना। जो बंदा पंजाब आ रहा है गाय खरीदने के लिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपसे गाय खरीद रहा है, चाहे किसी और बंदे से खरीद रहा है, क्या देखकर गाय खरीदनी चाहिए? कहना चाहूंगा भी, कोई भी किसान भी किसी भी स्टेट से आ रहा है ना, उसको पहले ये ध्यान रखना चाहिए हमने भी कितने दूध तक की गाय लेनी है, उसको जैसे माइंडसेट करके आता है बंदा। एक दो तो बंदा माइंडसेट करके आ गया हमने इतना प्राइस लगाना है, उसने अच्छी गाय का भी उतना प्राइस लगाना होता है और बुरी गाय का भी, सही ना। हाँ। वो चीज होती है गलत सर, रॉन्ग साइड, वो रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है। बट एक बात होती है, आपने ध्यान किस चीज पे रखना है, आपने बछड़ी लेनी है, गाय लेनी है, दो दांत, चार दांत, छह दांत, दांतों में लेनी है जी, कोई भी चीज गाय लेनी है, ठीक है ना, अच्छे दूध वाली रिकॉर्ड रिकॉर्ड आपके पास रिकॉर्ड होगा तो कह देते भी आप आगे जा पाओगे जी। क्योंकि मैंने शुरू में बताया जैसे इन ब्रीडिंग का कोई चांस नहीं होगा, आपको ब्रीडिंग के फायदे फायदे हैं, ये तभी जाके कह देते हैं सफल होगा जब आपको अपने कह देते हैं फोकस कर रहे हो, फोकस ऑन वर्क, अच्छे कह देते हैं अपने फार्म पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हो भी हाँ जी हमने फार्म को यहाँ तक लेके जाना है, हमने इस ब्रीडिंग का कहते हैं कोई भी चाहे जर्सी ब्रीड लेनी है, चाहे एचएफ लेनी है, हमने सीमन की गाय लेनी है, इसको आगे ये बनवाना है, वो चीजें आपकी नॉलेज होनी चाहिए सर। ऐसा नहीं आप किसी तीसरे बंदे से सीखो, या आपके पड़ोस वाला गाय ले आया उसको देखकर आप बोलो ये 10 लाए मैं 20 लाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। प्रॉपर नॉलेज जब आपको आएगी ना जी, तभी जाके, क्योंकि सर पैसा लगता है गाय लाने में भी, ठीक है ना, पैसा इन्वेस्ट होगा, ऐसा ना बाद में वेस्ट हो जाए पैसा जी किसी के पीछे लग के, ठीक है ना। अगर आपको काम करने की नीचे है ना जी, आप तभी करो, कोई भी काम है चाहे डेयरी फार्मिंग है चाहे कुछ भी है, ऐसा नहीं किसी के पीछे लगकर। और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, गायें आप गायें आपके फार्म पे जो गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है, ठीक है, आगे से आप भी मंडी से भी आप गायें खरीदते हो, किसानों के घर से भी गायें खरीदते हो, बड़े फार्म से भी गायें खरीद रहे हो, एक गाय आपके सामने खड़ी है फुल ब्रीडेड है जी सर, और आपको कैसे पता चलेगा, सामने वाला बंदा कह रहा है कि गाय 40 लीटर दूध देगी, गायें 30 वाली है, 35 वाली है, या 40 का 40 देगी, आप क्या देखते हो? सर देखो वही चीज आते हैं ना, नॉलेज एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस है सर, हम करेक्टर एक्सपीरियंस बढ़ेगा कैसे, जिनको जो कोरा कागज है कुछ पता ही नहीं उसको कैसे पता चलेगा? सर देखो मैं एक बात बोलूं, गाय का किसान भाई का मैं वीडियो में क्यों किसान भाई से रेट पूछता हूँ, आईक्यू लेवल चेक करने के लिए भी, हाँ जी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो किसान भाई का भी, हाँ जी ये कितने रेट तक की गाय है, कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? देखो किसान भी गाय की चमड़ी पतली लगा लो, गाय के अडर की क्वालिटी, हाई मिल्किंग वेन, हेड लेंथ, अडर कैसे चेक करते होंगे जी, कॉम्पैक्ट अडर बोल देते हो आप, कॉम्पैक्ट है क्या फर्क होता है? सर देखो स्टेबल, जैसे हम वीडियो में बताएंगे सर, स्टेबल होता है जैसे उसका कहते हैं जो बच्चा देने वाली जो उसका पीछे वाला होता है सर, वहाँ के अडर की स्टार्टिंग देखो कहाँ से नीचे से कहाँ तक है सर, ठीक है ना, बिल्कुल लेग स्कोर देखो कहाँ तक है गाय का, लेग स्कोर प्रॉपर लेग स्कोर वाली अडर की क्वालिटी, घुटनों से ऊपर अडर तो कम्पैक्ट से जाता है सर। थन चेक करते हो? हाँ थन गाबन गाय के भी चेक हो जाते हैं या वही गाय के चेक होते हैं जिनके बच्चा दे? हमने गाबन गाय के चेक करते हैं सर, जिन्होंने मान के चलो कोई भी लगा लो। कैसे चेक करते हो गाबन गाय के थन, क्या देखते हो?
उसमें देते आप उसमें दूध निकाल कर देते हैं किसका सर, जैसे ड्राई पीरियड होता है उसको चीपा आता है, जैसे चीपा किसको बोलते हो, चीपा जैसे होता ना मतलब दूध से जो पहले गाढ़ा टाइप होता है ड्राई पीरियड के टाइम जो होता है ठीक है ना, वो चीपा होता है सर, जैसे वो चीपा होता भी सर बराबर आ रहा है ठीक है ना, कभी करो तभी गाय का तीन थन होता है, तो तीन थन वाला गाय आप चेक कर लेना जी, अगर उसमें चीपा रहा होगा सर उसमें लेस कम होगी सर, जो उसकी लेस होती है ना चीपे की जैसे चिपकता होता है, बाकी थनों से उसका चिपका कम होगा या तो बिल्कुल ही नहीं होगा जी, जो थन बंद हाँ, या उसमें थन में दूध कम आएगा या चीपा कम आएगा, ये चीज ना तो ज्ञापन गाय का ये कैसे पता चलता है कि इसका थन खराब है, इसके दूध में खार आ रही है, नहीं वो तो सर पता चल जाता है ना जब हम खींच के देखते हैं हाँ। अगर कम ज्यादा होगा या तो धार टूटेगी भी हाँ ये टूट रहा था ना इसका ये कम है ठीक है ना, या फिर ऐसे होता है इसमें कम आता होता वैसी ठीक है ना, या फिर गाय का जैसे गाभिन उसको ज्यादा टाइम है जैसे वन मंथ पेंडिंग है या डेढ़ महीना पेंडिंग है, तो किसान भी रहते हैं भी हाँ जी कैसे पता चले, तो उसका चेक करें थन खींच के चेक करें भी हाँ जी उसका बराबर में लेस चेक करना भी चिपका चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, अगर नहीं चिपक रहा तो वो चेक गाय कैंसिल कर दो, वो गाय सैल्यूट है गगन आपको, बाड़बा फार्म की टीम की तरफ से गगन को सैल्यूट है, ये बातें आज तक किसी बंदे ने नहीं बताई, किसी यूट्यूब के चैनल पे आपको ये बातें देखने को नहीं मिलेगी, अंदर वाली बातें हैं जो अभी निकल कर बाहर आ रही है, ईमानदारी से आपने ये बात बताई, मैंने आपको पहले कह दिया था जो बातें करना खरी करना दिल में मैल मत रखना, वही बातें आपने खरी करी, नीचे कमेंट करके बता दो किसी भी चैनल पे अगर आपने या किसी भी बंदे ने आपने ये बातें किसी बंदे के मुंह से सुनी है, नहीं सुनी होगी, इसलिए कहते हैं मालवा फार्म के साथ जुड़ो शेयर करो जी। अभी किसान भाई बिल्कुल कोरा कागज होते हैं, थन के बारे में उनको पता चल गया, एक गाय आप चलाकर देखते हो, जैसे मैंने देखा है मंडी से कह देते हो कि गाय चलाकर दिखाओ भाई, चलती गाय में क्या देखते हो आप सर, देखते हैं गाय को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसल प्रॉब्लम तो नहीं है, गाय लंगड़ा के तो नहीं चलते हैं, किसी को पांव घुमाने की, पांव कैसे घुमाती है, जब किसी ने पैसा लगाना ना जी वो 100% जानवर लेगा, ऐसा नहीं उसने भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, चलो हाँ जी कोऑपरेट कर लेगा जी, चलो छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात है क्योंकि कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है जी, उसने ब्रीडिंग पे ध्यान देना, उसने प्रॉपर एनिमल लेना है 100% 101%, क्योंकि हम अपनी मर्जी का पैसा लेंगे तो एनिमल भी उसको मर्जी का चाहिए ना जी। उसके बाद दांत चेक करते हो, 2 दांत 4 दांत 6 दांत दांतों में भरी, ये क्या सिस्टम सर, ये सिस्टम पता चलता है जैसे मान के चलो अदंत बछड़ी हमें तो पता है सर, अदंत 2 दांत कभी कर होता है, बछड़ी कोई अदंत जनने वाली होती है हाँ, वो तो 22 महीने में जन जाती है, कोई कोई होता सर 24 से लेकर 28 महीने के अंदर जनती है ठीक है ना, तो उसके दांत 2 होते हैं, और अदंत बछड़ी के जैसे 22 महीने और 2 साल ऐसी एज होती है ठीक है ना सर, और जैसे 4 दांत होती है वो अकॉर्डिंग टू रहता है उसने एआई कब करवाई है, किसान 4 दांत वाली गाय फर्स्ट लैक्टेशन में होती है या सेकंड में होती है सर, क्यों जब फर्स्ट में भी सेकंड में भी क्यों हो जाती है, दो रीजन है निर्मल भी, देखो एक तो जैसे मान के चलो फर्स्ट टाइमर बछड़ी अदंत है वो अदंत में आएगी 22 महीने की एज में ठीक है, 4 दांत में सेकंड टाइमर भी आएगी सही है ना, और अगर जो फर्स्ट टाइमर में 2 दांत भी आई है सर वो सेकंड टाइमर या तो 4 भी आएगी या 6 भी आएगी ठीक है, और उसके बाद 4 दांत वाली पहले भी अंत में भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है सर, और फिर 4 से 4 दांत आ जाते हैं 6 दांत आ जाते हैं जी सर, उसके बाद सर 8 दांत प्रॉपर होते हैं, जैसे कन्नी वाले खड़े होते हैं ना वो सर ओल्ड एज लगा लो या पूरे दांत लगा वो कह देते हैं बरगी दांत, वो ज्यादातर तीसरे चौथे में, उसका फिर अंदाजा नहीं होता जी, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं भी हाँ जी चलो इसको मान लेते हैं तीसरे में भी हो सकती है, चौथे में भी हो सकती है, पांच में भी हो सकती है जी ठीक है, फार्मों की 7-7 लैक्टेशन की गाय खड़ी होती है भाई, और आइडिया गाय का आइडिया नहीं लगता सर, फिर तीसरे लैक्टेशन में मान के ले लेते हैं, और बताओ जी क्योंकि फीड उनको ऐसी दी जाती है ना, केयर उनको ऐसी की जाती है, देखो निर्मल भाई पता क्या बात है, 7 लैक्टेशन दूध निकाल दिए फिर भी गाय उतने में सेल हो गई, ब्रीड वाली गाय है बंदा लॉस में तो नहीं गया ना फार्म वाला, तभी ब्रीड पे काम करो, बात कहीं भी आप घुमा फिरा गया लो आएगी ब्रीड पे सर, ब्रीड पे आएगी अगर कामयाब होना है, आपने कोई भी बात लगा लो उसका नतीजा निकालना है, आपको रिजल्ट मिलेगा भी हाँ जी आपने ब्रीड लेनी थी हम ब्रीड रखे, ये रिजल्ट है सर, उसके बाद आप रेट का एस्टीमेट लगाते हो जी सर, सामने वाला बंदा 1 लाख मांग रहा है, गायें बोई खरीद लेते हो आप 80,000 में, गायें बोई खरीद लेते हो 90,000 में, कोई बंदा 5,000 कम कर देता है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, ऐसा ज्यादा क्यों मांगा जाता है सर, देखो हर एक किसान भाई के मन में होता है भी हाँ जी हमें ज्यादा मिल जाए, क्योंकि बेचने वाले को तो हम ज्यादा की बेच दें, लेने वाले को तो हम कम की ले लें, क्योंकि हम निकलते हैं सर जब फील्ड में, हमें ये होता है भी हाँ जी सस्ती गाय मिल जाए, देखो सस्ती ना, देखो जी मैं एक बात बोलता हूँ निर्मल भाई,
भी पैसा मैंने 5 रुपये यहाँ पे 90 लगा लो ना, 95 लगा दो, बट चीज लेके जाओ, ठीक है ना। अभी आपने एक बात बोली भी, हाँ जी आप अंदाज कैसे लगा लेते हो, क्योंकि सर देखो यहाँ पे हो सकता है गाय 80 की बजाय उसका मांग लें 1.5 लाख, ये भी कस्टमर किसान भाई होते हैं ऐसे भी, क्योंकि किसान भाई को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती किसी किसी को भी, हाँ जी हमने क्या कितने की दाम की है जी, किस ब्रीड की है, किसका कितना हमें इसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीजें भी थोड़ा ध्यान में रखकर जी, क्योंकि सर देखो माइंडसेट कर लेता ना बंदा, जब माइंडसेट कर लेता अपना भी, हाँ जी हमने इस हद तक जाना है, इस फार्म को ऐसे स्टार्ट करना है, तब जाके बंदा कामयाब होता है जी। ना कोई आपका राय है सर, ना कोई आपका प्लानिंग है अभी अपने फार्म को कहाँ तक लेके आना है, कैसी ब्रीड लेनी है, तो सर आप फेल हो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर कह देते हैं मैनेजमेंट लगा लो, या कोई आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आइडिया नहीं भी हाँ जी हमने ऐसे स्टार्ट करना है, जानवर का एनिमल करना है, तो आप सर फेल हो, मैं स्पष्ट कहता हूँ जी। आप फार्म शुरू करने से पहले आप लॉस में जा रहे हो जी, आप पहले प्रॉपर मन बनाना जी भी हाँ जी हमने ब्रीडिंग लेनी है, ठीक है ना, इतने दूर से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप दूध हमने बढ़ाना है। कभी को रहता है किसान भी बोलते हैं मैं शुरू में 50 लीटर वाली चाहिए, मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं, मैं उनको बहुत बताता हूँ भाई आप इतने दूर से मत करो जी, आप स्टेप बाय स्टेप चलो 25 से 30 लीटर से स्टार्ट करो। एक मिनट गगन रुकना, देखो किसान भाई ये बंदा व्यापारी है, आपने कॉल किया गगन मेरे को 50 लीटर वाली गाय चाहिए, इसकी 50 लीटर वाली गाय 1-1.5 लाख की बिकेगी, इसको 4 पैसे बनेंगे, लेकिन अगर ये बंदा आपको कह रहा है कि 50 लीटर वाली गाय मत लो, उसमें इसका नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं है, अंदर से इसने पैसे नहीं खाने, इसीलिए मैं कह देता हूं कि जो अगर आपको नॉलेज कम है तो व्यापारियों की भाइयों की बात मान लिया करो, उसमें आपका फायदा होता है। कभी किसान उल्टे हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि ये बंदा मेरे को 50 लीटर वाली गाय क्यों नहीं दिला रहा, कहीं बीच से पैसे ना खा रहा हो, आपके पास आप फ्रेशर हो या आपने पहले गाय रखी है, तो वो बोल देते नहीं जी हमने फर्स्ट टाइम गाय रख रहे हैं, हमें 40 से 45 लीटर वाली गाय चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उनको आईडिया देता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप कामयाब होगे, ठीक है ना। शुरू में आप 45 लीटर वाली लोगे आप लॉस में चले जाओगे जी, आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि केयर करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए आई मिल्किंग गाय की। और आपने बात बोली निर्मल भाई एक भी बंदा फेल क्यों हो जाता है, बंदा फेल होने का रीजन ये भी है जी, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम राय देते हैं किसान भाई को, क्योंकि सजेशन देना हमारा फर्ज है, आगे मानना या ना मानना वो किसान भाई के हाथ में, उसने कैसे हमको गेस करना है, कैसे सजेस्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि निर्मल भाई देखो साहब डेयरी फार्म का हमेशा ये मोटिव रहा है जी, भी हमने हमेशा किसानों का सोचा है और सोचते रहेंगे जी, क्योंकि किसानों का सोच सोच कर ही इसी लेवल पे आए हैं जी। आप किसान भाई इतना अच्छा प्यार देते हो, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ निर्मल भाई का, माड़ा फार्म की टीम का उतना कम है जी, और किसान भाई का जो मेरे को यहाँ तक लेके आए जी, ठीक है ना। क्योंकि कोई बंदा होता है ना जी, बंदा जैसे छुपा होता है पहचान, टैलेंट लगा लो, मैं ये नहीं कहता मैं टैलेंटेड हूँ या कुछ भी लगा लो, बट एक काम है मेहनत की है सर, मेहनत ने रंग लाया और आ गया है, ठीक है ना। तो किसान भाई वो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हर एक लड़के का यंग एज का सपना होता है भी हाँ जी हमने पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, काम करोगे तो पैसा भी कमाओगे जी, फ्री में बैठे घर में बैठे तो पैसा भी नहीं कमाया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई काम करोगे ना, मेहनत से काम करोगे, नेशा से काम करोगे, तो आपकी इनकम भी होगी, आप पैसा भी कमाओगे, खूब कमाओगे, क्योंकि माँ बाप सर अपने को पाल पोष कर देता है बड़ा जी, बाद में हमने जो हम सहारा बनना होता है ना, हमने बनना होता है, अगर हम नहीं केयर करेंगे तो कौन करेगा। तो किसान भाइयों, ये यंग एज लड़के हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं जी, प्लीज ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि ये व्यापार पूर से हटकर है सर, गाय गुए बिकती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो आज जो बातें कर रहे हैं जी, आज बेसिक नॉलेज के लिए कर रहे हैं भी हाँ जी, किसान आप किसान भी आप कैसे आगे आओगे। तो गगन भाई ब्रीड के बारे में भी बात होगी, फार्म के बारे में भी बात होगी, अभी जो बंदा पंजाब से गायें खरीदने के लिए आ रहा है, डर होता है कि दूसरी स्टेट में जाएंगे ठगी धोखा ना हो जाए, ऑब्वियसली जब हम किसी स्टेट में जाते हैं तो हमें भी डर होता है कि कैसा बंदा मिलेगा, तो एक जेन्युइन बंदे की परख कैसे होगी। सर देखो जेन्युइन की बंदे की परख किसान भाई देखते हैं, बहुत आजकल लोग आइडिया लगा लेते हैं किसान भाई, जिनको पता होता है, देखो जो सच होता है सर उसके मुंह पे दिख जाता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ किसान भाई पकड़ लेंगे, हाँ जी झूठ बात कर रहे हैं, सही है ना जी। किसान भाई आप काम देखो कैसा काम है, कितने दिनों से बंदा काम कर रहा है, कितने अवेलेबल होती है, अगर आपने वो चीज का आइडिया लगा रहे हैं आपको पता चल जाएगा हाँ जी ये बंदा सच है, क्योंकि सर देखो ये तो होता है बंदा भी हाँ जी फोन पे बोल दिया बातें कुछ और की, और जब यहाँ पे कुछ और बातें होगी,
तो वो चीजों भी सर ध्यान रखो, क्योंकि जो बात है पहले क्लियर करो, क्योंकि निर्मल भाई किसान भाई ने दूर से आना, 2000 किलोमीटर से आना है। हाँ। किसी के पास पैसा होता है, कोई मांग कर लाता है, कोई कर्जदार होकर आता है, ऐसा नहीं है भी किसी के पास मौजूदा में होंगे, ठीक है ना। और जो फार्मिंग वाले हैं, मेन मेरे को लगता है जी बंदा कोई भी लगा लो, क्योंकि लोन वगैरह चल रहे हैं जी, सब्सिडी वगैरह लगा लो, कोई स्कीम के तहत आते हैं जी, लोन ज्यादातर लेके आते हैं किसान भाई, क्योंकि उनको ये होता भी हम चलो पैसा लगा लेंगे, दूध का किस्त निकल जाएगी और अपनी इनकम ही हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो सही बंदे की परख करना जरूरी है किसान भाई आपके लिए, आप सिलेक्शन करो, क्योंकि आपके हाथ में बहुत कुछ, आप पहले ट्राई करो बंदे का वीडियो में कितना कैसे बोल रहा है, कितना उसका प्राइस बता रहा है गाय का, क्योंकि सर देखो हमारे यहाँ पे 2-2 लाख की भी गाय सेल होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपको किसी बंदे ने बुला के कम रेट बुला लिया और बाद में आके बोला भाई ये तो लाख की है, भाई ये तो 1-10 की है, फिर आपका बजट डावाडोल हो गया, आप बोलोगे हाँ ना भाई हम तो ऐसे हो गया ये हो गया, तो आप पजल हो जाओगे। इससे बेटर आप सिलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं, आपने आना है 5 दिन रुक के आ जाना, पहले आप जांच परख लो, जिसने बंदे ने निर्मल जी आपने बोला भी अच्छे बुरे की परख लगा लो, सच्ची की परख लगा लो, महाराष्ट्र में कितनी गाय गई हैं जी, ठीक है ना, हर एक डीलर की गई है सर, मेरे अकेले नहीं गई, ठीक है ना। बट एक बात है, फीडबैक लो भी, हाँ जी किसान का फीडबैक कैसा है, 1 से नहीं 2-3 से पूछो, ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरे से गाय लेके गए हैं जी, मैं बतौर नंबर दूंगा किसान में, क्योंकि हाँ जी इनसे बात कर लो जी, एनिमल भी देखना जी कैसा निकला, ठीक है ना, अगर एनिमल अच्छा होगा, किसान में फीडबैक अच्छा देगा, तो कस्टमर मेरे पास ही आएगा जी, ये बात मैं कहता हूँ, ठीक है ना। सही है। तो अच्छे बुरे की परख पहले तो वहां हो जाएगी, और दूसरी वीडियो में जी कमेंट चेक करना, ठीक है ना, और बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू देखना भी, हाँ जी प्रेजेंट ऑफ माइंड में वो कैसी बातें कर रहा है या कैसे एनिमल अवेलेबल होते हैं। अभी बंदा आपके पास आ गया पंजाब गायें खरीदने के लिए, कितने दिन लग जाते हैं 10 गायें खरीदने में? सर देखो अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे फार्म पे एनिमल अवेलेबल रहते हैं सर, हर एक किसान भाई की अलग अलग डिमांड होती है जी, भी हमें ऐसा एनिमल लेना है, प्लानिंग के तहत है, कभी क्या होता है किसी गाय को, किसान भाई को मिल्किंग वाली गाय चाहिए होती है, किसी को प्रेगनेंट चाहिए होती है सर, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं हमारे फार्म से परचेजिंग होगी, ठीक है ना, तो हम बाहर से परचेजिंग कराते हैं अकॉर्डिंग, उसके लिए सर 2-3 दिन लग जाते हैं आराम से सर। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए या बंदे को खुद आना चाहिए? सर देखो पैसा लगाना, मैं कहता हूँ किसान भाई को, अगर आपके पास टाइम है ना सर, तो आप निकालिए प्लीज, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने फार्म को आगे लेके आना है, क्योंकि आप यहाँ पे विजिट करोगे आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी जी सर, साथ में गाय तो आप लेके जाओगे, नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे फीडिंग मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ पे रख रखाव कैसा है, कैसे लोग व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना, जो लोकल किसान भी गाय रखता है हम उसका ही आपको व्यू करवाएंगे, हाँ जी ये ऐसे गाय रखता है, जरूरी नहीं है आप अच्छे शेड में, अच्छे मॉडर्न शेड में आप गाय रख दोगे, जो लोकल शेड जैसे हम डालते हैं जैसे छपरा टाइप बोलते हैं, उसमें भी लोगों ने गाय रख रखी है और बड़ी बड़ी ब्रीडिंग वाली गाय रख रखी है, तो बात वहीं पे आते किसान भाइयों, आपको आगे लेके जाना है, गाय ने लेके जाना है, मैं बार बार आपके हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ भी, गाय पे पैसा इन्वेस्ट करना। ऑनलाइन में ठगी होती है या नहीं? नहीं सर देखो मैं ये नहीं कहूँगा निर्मल भाई भी ठगी होती है, कभी कभार होता है जी, देखो मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैंने ऑनलाइन गाय भेजी, मैंने ही बहुत भेजी है जी ऑनलाइन गाय, मैं ये नहीं कहता अच्छी भेजी है सारी, कभी कभार होता है ऊपर सास भरी चीज है सर, कुछ हो सकता है, सही है ना, बट जिस चीज की हमें जवाबदारी लेनी चाहिए हम उसके लिए सर खड़े हैं, डट के खड़े हैं, ऐसा नहीं हम भागेंगे उसके, बट बात कहाँ पे आती है, ऑनलाइन बोल के बुलाते भी कभी क्या होता है, वीडियो दिखाते कुछ और है, बेच कुछ और देते हैं, तो वे ठगी होती थी सर, जैसे मान चलो आपने गाय सिलेक्शन कोई और करवा दी और बेच उसकी जगह भी और दी भी, हाँ जिससे चीज़ ये अच्छी है, जब किसान की पसंद ही वही थी तो हम वही भेजू ना, पैसा उसका पे किया था, तो ये चीज़ें मत होनी चाहिए, क्योंकि सर बहुत रेयर व्यापारी ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं, जिसने आगे जाना है लॉन्ग टाइम कहाँ चलाना है वो ऐसा सोचेगा भी नहीं जी। ठीक है जी सर। और गाड़ी का भाड़ा कितना लगता है, जैसे मान लो महाराष्ट्र में जा रही है ये भाड़ा किलोमीटर के हिसाब से होता है? नहीं सर ये ना सीजन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे अभी कह देते हैं अभी भाड़ा भी सर ठीक है, जैसे अभी 80-85 में गाड़ी चली जाती है सर, महाराष्ट्र 90 तक भी चली जाती है सर, हाँ जी महाराष्ट्र में, और जैसे कभी अगर सेपरेट गाड़ी लेनी है तो जैसे 9-10 गाय की केली, कभी होता है जॉइंट रूट बनाना है सर भी, जैसे एक गाय सोलापुर में उतारनी और एक गाय कोलापुर में उतारनी, तो उसका सर 10-15 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है सर, भी वो किसान भाई को पता सर अभी 250-300 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया तो उसकी वजह से वो ज्यादा लग जाता है। असम जो है काफी दूर पड़ता है, काफी किसान असम के भी पूछते रहते हैं निर्मल भाई असम के बारे में बात करो, तो आज खुल के असम के बारे में बात करते हैं। असम गायें भेजी आप? हाँ सर बहुत गई है, मणिपुरा साइड त्रिपुरा साइड सर अपनी असम गई है सर, अगर इतनी दूर जिम्मेवारी लेते हो गायें पर? जिम्मेवारी लेंगे सर, जिम्मेवारी समझेंगे तभी सर निर्मल भाई आ जाएंगे, ठीक है ना, अभी जैसे हमारी अगरतला साइड जाती है गाय, गुवाहाटी साइड जाती है, तो वहां पे प्रॉपर जो परमिशन है लोगों को नहीं पता, एनिमल हस्बेंड्री से परमिशन लेनी पड़ती है गुवाहाटी की, ठीक है ना, जैसे त्रिपुरा में गाय लेनी है, आसाम में गाय लेनी है। और बाद में कहना चाहता हूँ किसान भाई, कोई घर होता है किसान भाई के मन में कोई बाड़ा पूछता है जी भी इसका कितना रेंट लग जाएगा शाम का,
वो लोकेशन के अकॉर्डिंग बड़ा लगता है, 2 से लेकर 2.5 लाख तक बड़ा होगा शाम का जी। इतना बड़ा लगता है देते हैं सर लोग, इतना होता है जी, क्योंकि सर देखो एंड रह जाता है पर इंडिया का, बांग्लादेश के बहुत ज्यादा दूर है, अगरतला त्रिपुरा मणिपुर कहां पे है जी, ठीक है ना। उसमें जैसे सारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसका बॉर्डर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी वाले की होती है जी। वो जेनुअन भेजते हो जेनुअन का सर, वो तो परमिशन मांगते हैं ना जी। देखो जैसे जो किसान भाई गाय लेके जाएगा जी, उसकी प्रॉपर परमिशन होगी एनिमल हस्बेंड की, रास्ते में कोई रोक टोक जा नहीं, जेनुअन होती है वो कागज फाइल बनेगी पूरी। हाँ वो प्रॉपर फाइल बनेगी सर, डॉक्यूमेंट बनेंगे, उसकी कोई रोक टोक नहीं है सर। और असम के किसान कैसी गायें खरीदते हैं, ब्रीडेड या क्रॉस या फिर मीडियम? वो ना ज्यादातर जो असम से मेरे को फोन आते हैं सर, 25 से लेकर 30 लीटर वाली के कॉल्स की आते हैं भी, हाँ जी 25 से लेकर 30 लीटर की स्टार्ट करने। और ज्यादा जो असम के लोग हैं जी, वो अवेयर हो चुके हैं वीडियो देख देख के, वो भी पता है किस पे फोकस कर रहे हैं, वो बछड़ी पे फोकस कर रहे हैं। असम से लगभग मेरे को कहते हैं महीने में 200 कॉल आते हैं सर, 200 में से मेरे को 100 कॉल जाते ऐसी आती हैं जो बोलते हैं मेरे को हीफर चाहिए प्रेगनेंट 5-6 महीने की प्राइस। जो गायें जाती है सभी गाबन नहीं जाती होगी उधर तो? जी सर गाबन जाती है, 1 month पेंडिंग, गाबन ही खरीदने की ज्यादा जी सही रहती है, तो स्ट्रेस फ्री होगी सर, गाय स्ट्रेस नहीं मानेगी, सफर बहुत होता है, आगे जाके वहां पे जाके खान पानी में सेट हो जाएगी, उसके बाद बच्चा दे तब हाँ, उसके घर पे बच्चा देगी, जेर पड़ेगी, अच्छा बुरा उसकी आंखों के सामने होगा किसान भाई की, ठीक है ना। तो वो चीजें मेन है जी। और कुछ असम के बारे में बताना चाहो? असम के बारे में सर वही है, मैं किसान भाई से कहना चाहता हूँ, जो किसान भाई असम से गाय लेना चाहते हैं जी, आपका जो अगर कोई आपने पर्सनली कॉल करके पूछना तो मेरे को नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो परमिशन चाहिए परमिशन के बारे में आपको आइडिया दी जाएगा भी, हाँ जी कहाँ से परमिशन लेनी है आपने, ठीक है ना, कितना भाड़ा लगेगा वो भी, कितने दिन में आपके यहाँ पे गाड़ी पहुंचेगी, और आपको कैसी गाय लेनी चाहिए वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। मोटी मोटी सी बात करें, जो परमिशन की सिरदर्दी आपकी है या बंदा जो गाय खरीद रहा है उसकी है? नहीं सर देखो अगर परमिशन ले आया तो कोई दिक्कत नहीं सर, मेरी जिम्मेदारी है, बस आपके पास पैसा लेकर आ जाए, जिम्मेवारी सारी आपकी रह जाएगी सर जी। तो किसान भाइयों असम के बारे में खुलकर काफी बातें कर ली, अगर फिर भी कोई डाउट है बंदे को कॉल करो, गगन को कॉल करो, पूरा जवाब मिलेगा, या फिर नीचे कमेंट करो, गगन या मालवा फार्म की टीम की तरफ से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है जी गगन। उसके बाद पूरे भारत में जो आप गाय सप्लाई करते हो जी सर, तो एक जो जैसे अभी असम के बारे में बोला, फाइल तैयार करते हो, कहाँ से बनती है, कितना खर्चा आता है, क्या कुछ उसमें ऐड होता है? देखो सर उसमें जैसे एक तो जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं जी, जैसे सरकारी डॉक्टर वगैरह बीएस वगैरह लगा लो नहीं, तो उनके हम जैसे होता है ना टैग नंबर जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है जी, एक तो टैग नंबर रजिस्टर्ड चाहिए जी, ठीक है ना, और उसका बकायदा रिकॉर्ड टैग नंबर लेके उसकी फोटो भी, हाँ जी इस लैक्टेशन की इसका दूध है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है एक गाय का, अकेली के लिए गाय का हेल्थ सर्टिफिकेट स्टाम्प बनता है, बिल बुक डेयरी की लगती है, परमिशन लगती है गुवाहाटी की, और सर एक एक गाय की फोटो आपको बताइए जहाँ जाना है वहाँ की परमिशन जी जी सर, और आधार कार्ड मेरा लगेगा और किसान भाई का लगेगा वाले का। कितना खर्चा आ जाता है मोटा मोटा सा एक गाय के ऊपर या 10 गाय की गाड़ी के ऊपर? 200-300 रुपया एक गाय के ऊपर आता है सर, जैसे 2-3 हजार रुपया खर्चा आ जाएगा, 2-3 डॉक्यूमेंट का, हाँ जी वो आपका होता है या किसान का होता है? सर देखो जो हेल्थ सर्टिफिकेट के होंगे सर वो किसान भाई को, बाकी डॉक्यूमेंटेशन की मेरी जिम्मेदारी है सर, क्योंकि सर देखो हाँ पैसा पूछ रहा हूँ मैं, आपका लगेगा या किसान का? देखो निर्णय भी ऐसा है भी, जो लगेगा हेल्थ सर्टिफिकेट का लगा लो, जो भी चार्ज लगेगा वो किसान भाई का लगेगा, मोटा मोटा सा 2-3 हजार, 2-3 हजार रुपये लगेगा, क्योंकि सर देखो हमने तो कमाना गया कि पीछे 2 हजार रुपये सर, 2 हजार मार्जिन है, क्या क्या लोगों को फैसिलिटीज देंगे बताना मेरे को, क्योंकि सर हर एक बंदा इनकम के लिए बैठा, मैं ये नहीं कहता हूं मैं लालचू या कुछ भी, बट सर हम ईमानदारी का लेंगे, ऐसा नहीं है जी हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, हम आपको बोल दे ललचा दे हाँ जी 2-3 हजार भी हम देंगे जी, क्योंकि सर हमने काम करना है ईमानदारी का करना है, अपने हक के लेने हैं, ठीक है ना, जो जिसके लेंगे हम वही बताएंगे जी। जे फाइल भी बन गई जी सर, गाड़ी आपने यहाँ से लोड कर दी जी, महाराष्ट्र गाड़ी जा रही है, तो रास्ते में कहाँ पे रोकते हो गाय को? सर रास्ते में जैसे स्टॉपेज का लगा लो, पहला स्टॉपेज करते हैं किशनगढ़ राजस्थान में जी। कहाँ पे उतारते हो, क्या होता है वहाँ पे? सर खड्डे बने हुए, जैसे हम बोलते हैं ना भी वहाँ पे जगह बनी हुई गाय के उतारने की, वहाँ पे हाँ पानी की व्यवस्था भी है, वहाँ पे गाय के रुकने की व्यवस्था भी है, सर्दी में उसके कह देते हैं ढकने की व्यवस्था भी, और गर्मी में छांव की, मतलब सारी सहूलत सारी फैसिलिटीज है सर, ठीक है ना। तो जैसे गाड़ी ने जाना है महाराष्ट्र में आगे, तो रतलाम सर एक स्टॉप जो है एमपी में नागदे में, तो वहाँ पे भी सर बढ़िया प्रॉपर बना हुआ है सर। गाड़ी रात को ही क्यों चलती है सर? गाय की गाड़ी रात को ही चलेगी सर, रीजन सर इसके बहुत रीजन है जी। देखो एक तो है जैसे ट्रैफिक होता है सुबह, ट्रैफिक में रुकी गाड़ी, गर्मी होती है सर दिन में, गाय को धूप लगेगी, ठीक है ना, तो गाय बीमार होने का डर है, ठीक है ना, रात को चलेगी कोई दिक्कत नहीं सर, ट्रैफिक कम होता है और ऊपर से ठंडी हवा लगती है जी, ठीक है ना, तो वो चीजें हैं सर। ठीक है हाँ जी।
और उसके बाद बंदे के पास गाय पहुंच गई 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जितना दूरी है उसकी, सेट होने में कितने दिन लग जाते हैं? कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं सर। अगर कोई किसान भाई कह देना भी हाँ हम आप 40 लीटर वाली गाय लेके आए थे, एक ही बार में 40 लीटर निकालने एक दिन में नहीं निकलेगा सर, 15 दिन कम से कम सेट होने में लगेंगे सर उसको। क्या केयर करनी चाहिए उधर जाकर जब गाय उतर जाती है? सर पहले तो ऐसा है किसान भाई कभी कभार होता है शुरू शुरू में फीडिंग देने लग जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है गाय को। वो क्या होता है? फिर जैसे मान के चलो हम खा हजम नहीं होता, हजम नहीं होता, उल्टी फीड बदल जाती है उसका, हो जाता है उल्टियां जैसे हम ह्यूमन बॉडी में कर रहे हैं जैसे हम जैसे उल्टी लग जाती है वैसे गाय कैसा है जैसे वो उसको कह देते हैं अभी फूड पॉइजनिंग होगी, जैसे वो पीछे से रूमिनल जो उसके वो पतले आ रहा है गोबर पतला आ रहा है जी, ठीक है ना, हाजमा नहीं हो रहा है गाय का, गाय खा पीना खाना पीना छोड़ देती है गाय, तो वो चीज का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा हैवी खाना नहीं देना चाहते, एकदम से फीड मत स्टार्ट करो गाय का, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप 10 दिन पहले सूखे चारे पर रखो, कोई दिक्कत नहीं, फीड कम दो, ठीक है ना, तब जाके किसान भाई आप एक अच्छी गाय को सूटेबल कर लोगे। क्योंकि बहुत चीजें ध्यान में रखने के लिए नॉलेज जितनी शेयर करें आपके साथ उतनी कम है, बट एक बात है आप यहाँ पे आओगे आपको बहुत चीजें जो एक्सपीरियंस में मिलेंगी ना लाइफ में, वो आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगी किसान भाई अगर आप यहाँ पे आओगे तो। जी शुक्रिया गगन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई जी गगन थे मंडी डब वाली पंजाब से, नई उम्र का लड़का है, जंगस्टर है, काफी अच्छा काम कर रहा है। काम करना पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन किसानों की मदद करना वो एक अलग बात है। अपना काम तो कर रहा है लेकिन उससे बढ़कर किसानों की मदद कर रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जेनुअन काम करते रहोगे, जेनुअन गाय सेल करोगे, बहुत आगे जाओगे, किसानों का प्यार, किसानों की दुआ मिलेगी तो यहाँ से यहाँ हो जाओगे। थैंक यू निर्मल भाई आपका भी, क्योंकि आपने हमारे फार्म पे विजिट किया, वीडियो बनाई जी, उसके लिए भी शुक्रिया था। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा किसान भाइयों का, क्योंकि किसान भाइयों में बार बार जितना जिक्र करूँ आपका उतना कम है, क्योंकि साहिब डेयरी फार्म को यहाँ तक लाने वाले आप किसान भाई हो जी, आपको कभी भी नहीं माइंड से निकालेंगे, क्योंकि गगन भाई साहिब डेयरी फार्म आज यहाँ पे है तो आपकी बदौलत है जी। बिल्कुल, बस मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ जी। थैंक शुक्रिया किसान भाइयों।